नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। बात करें कैसे सीड की, तो कैसे सीड का जनवरी वादा देख रहे हैं कि कल जो 6000 के पार जा चुका था वो 5930 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 0.25% की करेक्शन के साथ। रूपा जी, आपको क्या लगता है कि कैसे सीड में यहां से फिर से तेजी बनेगी और 6000 के ऊपर बाजार जाएगा या फिर यहां से करेक्शन और नीचे जाएगी? देखिए, यहाँ से आगे तेजी का ही रुझान है। देखिए, अभी जो बाजारों में हल्की फुल्की करेक्शन जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अब देखें तो इसके अंदर भी पॉजिटिव आ सकता है। मार्केट आगे चलकर अभी 5800 के आसपास नीचे का स्तर है, 5800 एक बार फिर से करेक्शन के दौर में जा सकता है। 5800 के आसपास बाइंग जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है, जो कि इसको वापस से ऊपर में 6000 तक ले जा सकती है। तो देखा जाए तो रेंज बाउंड है, तो इसी रेंज में फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वादा देख रहे हैं कि आज भी 3200 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। हालांकि 0.25% की करेक्शन है, कल को हमने बिनौला खल का जनवरी वादा 3300 के ऊपर भी जाते हुए देखा था। आपको क्या लगता है, क्या यहां से बिनौला खल में अभी जो करेक्शन है वो थोड़ी और गहरा सकती है? देखिए, बिनौला खल भी नीचे में 3200 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। जो ये गिरावट आ रही है, देखिए एक बार तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने चाहिए, क्योंकि देखिए 3300 का टारगेट था वो लग चुका है और अब वहां से मार्केट करेक्शन जोन में है, जो कि 3200-3180 यहाँ तक के लेवल तक नीचे गिर सकता है और वहां से अगेन बाइंग आ सकती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है, अभी आज इंट्राडे में 3200 तक मार्केट लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है जी। रूपा जी, इसे बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में भी देख रहे हैं लेवल्स ठीक ठाक है। हालांकि लाल निशान पर हल्की सी मामूली सी करेक्शन है हर मसाले में NCDX पर, लेकिन जो लेवल्स हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव अभी भी बने हुए हैं। बात करें सबसे पहले अगर जीरे की, तो जीरे में आपने कहा था कि 16000 के बाद 17000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कल आपका वो टारगेट अचीव होता नजर आ गया था, जीरे में हमने 17000 के पार भी कारोबार करते देखा था जनवरी वादा को। आज देख रहे हैं 16955 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। हालांकि 17125 का हाई अभी भी देखने को मिल रहा है। धनिया देख रहे हैं कि 9200 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और हल्दी 10000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रही है, सवा लगभग 0.3% की करेक्शन है। आपको क्या लगता है, क्या मसालों में आज बिकवाली का दौर देखने को मिलेगा? देखिए, आज बिकवाली का दौर है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है मसालों के अंदर। अगेन मसालों में निचले स्तरों पर बाइंग में ही रहना चाहिए, एक अच्छी खरीदारी आगे चलकर देखने को मिल सकती है और मुझे लगता है कि आज करेक्शन आ सकती है, इस करेक्शन के अंदर आप बाइंग करके चल सकते हैं जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का जनवरी वायदा 10800 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.5% की गिरावट है। ग्वार सीड का जनवरी वायदा 6100 पर है, 0.25% की गिरावट ग्वार सीड में भी है। रूपा जी, हम रोज देखते हैं कि ग्वार में जो बाजार है वो नरमी के साथ सुस्ती के साथ खुलते हैं, फिर शाम होते होते उनमें 2-3% की तेजी देखने को मिलती है। ये ट्रेंड हम लगातार पिछले 1-2 ट्रेडिंग वीक से देखते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ग्वार में ऐसी फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद आगे ऐसी उठापटक का माहौल बना रहेगा क्या? देखिए, फंडामेंटल अभी काफी सपोर्ट कर रहे हैं ग्वार को, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि 10000 के ऊपर सस्टेन है और सीड भी 6000 के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही है। फंडामेंटली पॉजिटिव है मार्केट, अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से बाउंस बैक आएगा और तेजी ग्वार के अंदर बनती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल देखिए, सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर पॉजिटिव है मार्केट, अप्रोक्सीमेटली सभी कमोडिटीज के अंदर आगे चलकर डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है और कीमतों में तेजी बन सकती है। तो इसीलिए बिकवाली की तरफ तो कम रहना चाहिए, मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी करके ही चलने में ज्यादा फायदा होगा। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाकर चलें तो बाइंग करके चला जा सकता है जी। ये से रूपा जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वादा देख रहे हैं 6270 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 6300 का ही लगा चुका है, 1% की गिरावट है। रूपा जी, कल को हमने सोयाबीन में बाइंग इनिशिएट होते हुए देखी थी, 6300 के ऊपर ट्रेडिंग दर्ज हुई थी, आज देख रहे हैं कि 6200 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, सोयाबीन में जो रेंज देखने को मिल रही है वायदा के अंदर, तो क्या ये आगे भी देखने को मिलती रहेगी? हालांकि हम देख रहे हैं कि जो हाजिर बाजार है, हाजिर बाजार में सोयाबीन 6700-6800 पर बिकती नजर आ रही है, किसानों ने एक बार फिर से स्टॉक करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या उसका असर वायदा पर भी पड़ता नजर आ सकता है और सोयाबीन 7000 के पार भी जा सकती है?
देखिए अभी तो फिलहाल जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है सोयाबीन की, वो 6,000 से लेकर 6,500 की रेंज है फिलहाल, इसी के बीच में बाजार दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे विदेशी बाजारों में माहौल तेजी का बनता है तो उसका असर जो है डोमेस्टिक मार्केट पर आता हुआ हम देखते हैं, और जिसके चलते सोयाबीन सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हाजिर मंडियों में भी अभी फिलहाल मांग जरूर निकल रही है, लेकिन इसका सप्लाई कम होने से हमने देखा कि कीमतें सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उधर सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की वजह से बाजार जो है वो रुक सा गया है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी 6,500 तक मैक्सिमम तेजी है और नीचे में 6,000 का स्तर है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल वीट को लेकर आ रहा है, गेहूं को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि वीट का बाजार आगे कैसा रहेगा, तेजी रहेगी या मंदी? देखिए वीट में अभी तेजी की उम्मीद कम है मेरे हिसाब से, वीट के अंदर बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम नहीं है, बाजार एज यूजुअली इन्हीं रेटों के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। जी रूपा जी, दर्शक है जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, इनका सवाल है कि सरसों का बाजार आगे चलकर कैसा देखने को मिल सकता है, भाव क्या रह सकते हैं? देखिए अभी छुटमुट तेजी की तरफ मार्केट रह सकता है, लेकिन आगे चलकर गिरावट का ही दौर जो बनता हुआ दिखाई देगा। मार्च ऑनवर्ड्स जो है प्राइसेस के ऊपर प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जनवरी और फरवरी में थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर सपोर्ट आ सकता है, तो फरवरी तक जो तेजी मिले उस तेजी के अंदर माल को निकालना चाहिए। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए अमित पटेल जी जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं चने में अभी क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, हम देख तो रहे हैं कि चने एमएसपी से नीचे देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी चीज को अगर रिटेल में खरीदने जाए तो इस समय भी देखने की चना 100 रुपए किलो के आसपास बना हुआ है, किसानों से तो मंदे में खरीद लिया जाता है, लेकिन आम जनता को वही चीज महंगी करके तब भी बेची जा रही थी सरकारी प्रयासों से पहले भी, और अब भी सरकारी फैसलों के बाद भी जनता को वही चीज महंगी मिल रही है। आपको क्या लगता है चने में अभी क्या करके चलना सही रहेगा और कीमतें आगे क्या रह सकती हैं? देखिए फिलहाल चने में बिकवाली का ही दौर है, चने में कीमतें जो है जहाँ रिटेल की बात है रिटेल में ही लेवल्स के आसपास बनी रहेंगी 90 से लेकर 100 रुपए के बीच में, और जहाँ तक होलसेल का बात है मुझे लगता है कि स्टॉकिस्ट के पास जितना भी माल रखा हुआ है आगे चलकर प्रेशर ही आने वाला है। दालों के अंदर फिलहाल तेजी नहीं है, जब वायदा पर ट्रेड होता था तब काफी मूवमेंट वॉलेटिलिटी देखने को मिलती थी, लेकिन अभी तब से लेकर अब तक बाजारों में हमने दबाव ही देखा है और आगे चलकर भी उम्मीद है कि दालों के ऊपर दबाव बना रह सकता है। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार कॉटन को लेकर आ रहा है, कपास को लेकर आ रहा है। रूपा जी, हमने हाजिर में देखा है कि हाल ही में हमने 9,100-9,200 के भी स्तर पर कपास की बिकवाली होते देखी है मंडियों के अंदर, वायदा में भी 35,000 तक के स्तर देखने को मिले हैं कपास के कॉटन के अंदर। अब जितने दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानना चाह रहे हैं कि क्या कॉटन आगे जाके 38,000 के भी स्तर दिखा सकती है क्या, क्या कॉटन में अभी होल्ड करके चलना सही रहेगा? चलना चाहिए, कुछ एक आप होल्ड कर सकते हैं, तेजी तो है, देखिए अभी आगे बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और आगे भी बाजार अपसाइड में रह सकते हैं ऐसी एक्सपेक्टेशन है। जिस तरीके से सप्लाई कम है और अभी भी क्रॉप डैमेज होने की खबरें निकल कर आ रही हैं उसके चलते आगे तेजी वाला रुझान बना रह सकता है। तो ये नहीं कहूंगी मैं कि सभी माल आप रोक के रखें, क्योंकि अभी भी काफी अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि अब हाजिर मंडियों के अंदर 9,500 से लेकर 9,800 और मैक्सिमम 10,000 का स्तर भी कपास के अंदर देखने को मिल सकता है, और वायदा के अंदर अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 35,000 के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तब 36,500 तक अपसाइड में जा सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं सूरज जी जिनका सवाल लगातार गार्लिक को लेकर आ रहा है, लहसुन के लेकर आ रही है, लहसुन के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए लहसुन में अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमें लगता है कि अभी डिमांड जो है वो जिस हिसाब से देखने को मिल रही है अराइवल्स अच्छे। यानी कि गार्लिक के अभी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली जैसी हमने विंटर डिमांड एक्सपेक्ट करी थी, उसके अकॉर्डिंग विंटर डिमांड इस समय इतनी देखने को नहीं मिल रही है, और अगर है भी तो जो सप्लाई है गार्लिक की लहसुन की वो इतनी ज़्यादा है कि वो उसके भाव को उठने नहीं दे रही है मंडियों के अंदर। जो देश की बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं जैसे मंदसौर मंडी, नीमच मंडी, आज़ादपुर मंडी, यहाँ पर लहसुन की जो आवकें हैं जोरदार बनी हुई हैं, लहसुन की आवकों में कोई कमी नहीं है, लहसुन की जो सप्लाई है काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, क्योंकि किसानों को उम्मीद थी कि लहसुन के आगे जाके काफ़ी अच्छे भाव मिल सकते हैं, इसलिए किसानों ने अपने लहसुन को थोड़ा लंबे समय के लिए
होल्ड कर लिया, स्टॉक करके रख लिया। उन्होंने जब छः सात हज़ार रुपये क्विंटल का दाम मिल रहा था, उन्होंने तब भी अपना लहसुन नहीं बेचा था, यही सोच के कि उन्हें आगे जाके लहसुन के अच्छे दाम मिलते नज़र आएंगे। लेकिन अब देख रहे हैं कि मंडियों में 2500-3000 तक भी रेट मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। मंडियों में इस समय लहसुन के रेट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और वैसे भी अब जनवरी का महीना आ चुका है और जनवरी के मध्य तक या जनवरी के अंत तक नया लहसुन मंडियों के अंदर आ जाएगा। जब नया लहसुन की आवकें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो ये जो लहसुन के जो अभी दाम मिल रहे हैं वो भी और ज़्यादा गिरने शुरू हो जाएंगे। हालांकि गर्मियों में हम देखेंगे, जब गर्मियाँ आती हैं थोड़ी की, लहसुन की जो इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के सामने आती है, काफ़ी अचार इंडस्ट्री से लहसुन की डिमांड निकलती है, मसाले इंडस्ट्री से लहसुन की डिमांड निकलती है, क्योंकि लहसुन को सुखा कर उसका पाउडर बनाकर भी बेचा जाता है, तो मसालों की तरफ से भी डिमांड निकलती है। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा और वेट करना पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी जब लहसुन आएगा उसमें नमी देखने को मिलेगी, ज़्यादा स्टॉक भी नहीं करके चल सकते हैं, तो लहसुन में अभी जो हाल फिलहाल में जो प्राइसेज हैं वो थोड़े नरम वाले ही रहेंगे। लेकिन गर्मियों में लहसुन में ठीक ठाक डिमांड निकल सकती है। रूपा जी, टॉपिक्स जानना चाहेंगे आपसे कि आज आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी एग्री कम्युनिटीज़ के? देखिए, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज बिकवाली आप करके चल सकते हैं कम्युनिटीज के अंदर, लेकिन वही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ से मुझे लगता है कि आपको अभी भी बिनोला खल में बाइंग में रहना चाहिए। ग्वार के अंदर भी आप बाइंग करके चल सकते हैं, और इसी के साथ मसाले आगे चल के अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इन सब में कम्युनिटीज के अंदर अगर आप थोड़ा सा भी मीडियम टर्म अपना आउटलुक लेकर चलेंगे तो इनमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।